एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सोमवार ही है और सोमवार के 9 बज चुके हैं, 9 बज के 3 मिनट हो रहा है। और अभी जो है हम आए हैं पीठ में सब्जी लेने के लिए। लग रही है अभी भी कपड़े वपड़े सब है। रोड क्रॉस करना पड़ेगा, मेरे को डर लगता है रोड क्रॉस करते हुए ना। सब्जी वगैरह लेते हैं, कुछ मसाले वगैरह भी हैं, दालें यहीं से ले लेते, राजमा तो फिर है ना। वापस फिर तो आप बता तो देते, जब पीठ में आ रहे हैं तो पीठ में तो फिर सब होता है ना। चलो देखते हैं। हाँ, वो एक दुकान, ओहो कीचड़ हो रही है बहुत ज्यादा, कीचड़ बहुत है। सब्जी खाए, सब्जी देख, सब्जी वहाँ देख नीचे, इधर से इधर से। हाँ चलो चलो निकलो आगे, को इतना दूर से जाइए घूम के। क्या लेना है? आगे चलो फिर, इतना नहीं है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि रश्मि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी कैसे हो गई है, दाने वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं, जो कि रियल है। कैमरे पे मुझे नहीं पता आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, लेकिन देखो इस तरह से साइड से करते हैं तब दिखते हैं। अभी मेरे फेस पे, मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी कोई भी दानों की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मेरी स्किन जो है ऑयली थी, बहुत ज़्यादा ऑयली थी। मतलब एक तो होता है चलो नॉर्मल है, ऑयली है, मिली जुली है, लेकिन मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली थी कि मैं परेशान थी। और जब आपकी स्किन ऑयली होती है तब आपको अपने जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं रही है जितनी पहले थी। और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, मतलब एक्ने वगैरह की, पिंपल्स वगैरह की, वो तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं मुझे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते करते। मैं बात कर रही हूँ इनकी, आप लोग भी जानते हैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, जिनका बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इनका, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और ये प्रोडक्ट जो है क्योर स्किन से है। क्योर स्किन आप लोग बोलेंगे क्या है, मतलब कुछ लोगों के जैसे कमेंट्स आए थे दवाई है क्या है। तो सबसे पहले तो क्योर स्किन एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड करके घर बैठे बैठे अपना इलाज करा सकते हैं, जिस इलाज का 1 रुपया नहीं लगने वाला। मतलब कि जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, नंबर लिखवाते हैं तो उसके पैसे लगते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फोन सभी के पास होते हैं, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है और डॉक्टर से आपकी जो बातचीत है वो शुरू हो जाएगी। ऐप डाउनलोड कीजिए, बातें कीजिए। मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। मैंने भी की थी, मैं वैसे भी पहले कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन शायद कुछ लोग नए जुड़े हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीच में नहीं देखा काफी दिन और अब जाके मुझे वो देख रहे होंगे कंटिन्यू, तो वो लोग मैसेज कर रहे हैं। तो क्योर स्किन का सबसे पहले मैंने बता दिया है कि ये एक ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आप डाउनलोड करेंगे, फिर आप जो अपना नाम बताइए, भाषा चुनिए, बातचीत शुरू कीजिए। डॉक्टर्स आपसे आपकी परेशानी पूछेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, फेस से रिलेटेड हो, उन डॉक्टर्स को बताइए और वैसा ही आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। इस तरह की किट बनाकर दे देंगे घर बैठे बैठे। 1500 रुपए में ये किट मुझे मिल गई, ना कोई डिलीवरी चार्ज लगा, ना कोई डॉक्टर का अलग से कोई खर्चा, ना आने जाने का टेंशन, कुछ नहीं। घर बैठे बैठे सारी चीजें हो गई। डॉक्टर ने अच्छे से बातचीत की, मुझसे मेरी प्रॉब्लम्स पूछी, मेरी स्किन को देखा, इधर की साइड की फोटो ली, इधर के साइड की फोटो ली, सामने से फोटो ली। स्पेशलिस्ट होते हैं और जितने भी क्योर स्किन के ये प्रोडक्ट्स मेरे को मिले हैं, इनमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो सारे के सारे ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम से हमें निजात दिलाते हैं, छुटकारा दिलाते हैं। तो एक थैंक्स कहना तो क्योर स्किन को बनता ही है। एक फ्रेंड के कहने पर मैंने ये जो है प्रोडक्ट्स मंगाए थे, क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड किया था। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। मैंने भी यही सोचा था कि चलो इतने सारे हाथ पैर मारे हैं, इतने सालों तक मतलब मैं अपने दानों के चक्कर में परेशान रही हूँ, इधर धक्के खा उधर धक्के खा, जिसने जो कहा मैंने किया, मैं थक चुकी थी। मैंने बोल दिया था कि छोड़, मैं
मैं होने देती हूँ, मैं मतलब ध्यान ही नहीं दूंगी। लेकिन जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, उसने मुझे काफ़ी बोला कि तू एक बार ट्राई कर, जब तूने इतना ट्राई किया, तो मैंने जब ट्राई किया तो मुझे सच में मतलब ऐसा होता है कि ना, कि पहले जब मैंने शुरू किया तब तो मुझे यही था कि अरे बस ऐसे ही हो रहा होगा, चलो। जब धीरे धीरे यूज़ कर रही हूँ, जब रिजल्ट आ रहा है डे बाय डे अच्छे से, तो फिर मुझे आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ भैया बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और जितने भी क्योर स्किन के प्रोडक्ट होते हैं वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, वहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया गया, आप उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, हर 20 दिन बाद वो आपका चेकअप करेंगे। प्रोडक्ट 5 दिन में मिल गया था और किसी भी तरह का मैंने कोई कुरियर चार्ज नहीं दिया था। और सबसे बड़ी क्या है, इनका कोई भी साइड इफेक्ट मुझे नहीं हुआ। उम्र 15 साल से ऊपर है और आप फिर चाहे लड़की हो, लड़का हो, शादीशुदा हो, कुंवारे हो, कोई भी क्योर स्किन पर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और वहां से अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। जो क्रीम्स वगैरह वो देंगे, जो आपको पूरी एक किट बनाकर देंगे, आप उसको यूज कीजिए। और यूज करने के भी इंस्ट्रक्शन आपको वहां पर ऐप पर मिल जाएंगे, जहां पर आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा, चैट की होगी, वहां जैसे ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उधर से भी नोटिफिकेशन आपको आएगा कि आज आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएंगे या मिल गए होंगे, तो अब आपको इन्हें किस तरीके से यूज करना है वो सब। लो पकड़ो, रखना जरा। सब्जी ले ली है हमने, थोड़ी बहुत ही चाहिए थी, ज्यादा नहीं चाहिए थी। ओहो क्या खिला, भिंडी वगैरह मैंने धो के रखी और सब्जी बाकी जो है फ्रिज में लगाई, क्योंकि भिंडी का क्या है ना, सुबह भी बना सकती हूँ मॉर्निंग में और हो सकता है कि कल दोपहर में बने। और अभी थोड़ा सब्जी गर्म कर लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, रोटी इन लोगों को खिला देती हूँ, दही वगैरह निकाली, फैटी मैं सारा करके देती, आटा वगैरह सब्जी वगैरह लगा लूँ के। मेरे लगा बंद हो गई होगी, लेकिन मुझे लगता है अभी वहाँ देख कर कि अभी वो एक घंटे तक भी बंद नहीं होती है ना, आधा घंटा तो नहीं होगी, कि काफी भीड़ है, काफी लोग आए हैं। सस्ती भी मिलती है क्या वहाँ पे सब्जी? सस्ती भी, अच्छी भी, हरी भरी। सबसे बात अच्छी बात क्या है, वहाँ हरी भरी मिलती है, ताजी ताजी सी लगता है वैसे। हाँ भिंडी कितने है वैसे मार्केट में? यहाँ तो 20 रुपए किलो थी, मेरे ख्याल से 40 रुपए किलो है यार, शायद 20 रुपए किलो, आधा किलो 10 रुपए की। अच्छा 10 की आधा किलो, 20 रुपए किलो मिली है हमें। मार्केट में से जैसे लाते हो तो मुझे लगे ज्यादा है यार, 40 रुपए किलो लगाई थी उसने, आधा किलो 20 की, पूरा 20 रुपए का वो है। यहाँ 20 की, वहाँ से आधी किलो लेंगे, यहाँ से 1 किलो हो जाएगी। यार 1 किलो तो हमारे घर में नहीं चलती है, आधा किलो लेती हूँ मैं, आधा किलो होती है। चलो सबसे पहले रोटी हमारी गुड़िया लाने के लिए जाएगी, उसकी प्लेट लगा देती हूँ। प्लेट लगा ली है, इन लोगों को खिला दिया है। और अभी जो है आप लोग सोच रहे होंगे ना, प्लेट मतलब ऐसी, मैं विपिन की ही प्लेट में खा रही हूँ, इसलिए ये थोड़ी सी प्लेट आपको ऐसी लगेगी। तो मैंने 2 रोटी ले ली है, दही ले ली है, दही में बर्फ़ डाल लिया ताकि ठंडी ठंडी रहे, और ये सब्जी आप लोग भी खा लो, मैं भी खाती हूँ। तो ये हो रही है कल के लिए तैयारी, मतलब कि मैं राजमा भिगो रही हूँ जो कि कल बनेगा। राजमा था भी नहीं, तो तन्मय ने जो है बोला कि इसको राजमा खाना है, तो विपिन से मैंने मंगा लिया था, वो ले आए थे। तो अभी जो है मैं यहाँ पर राजमा ही भिगो रही हूँ, और ये वाला राजमा है, मुझे वो लाल वाला अच्छा नहीं लगता अब ना, मुझे छोटे वाला साइज़ वाला अच्छा लगता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इस तरीके से वो चितकबरा वाला अच्छा लगता है, और जो सफ़ेद सा भी आता है चितकबरा सा, वो तो और भी अच्छा लगता है। तो बस अभी जो है मैं इनको साफ़ करके भिगा कर धोकर अच्छे से रख दूँगी, अगले दिन में बनेंगे, मतलब आज पूरी रात भिगोंगी, कल दोपहर में बनेंगे। बर्तन वगैरह सब हो चुके हैं, वो तो एक आधी कटोरी या गिलास पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों का क्या रहता है, गर्मी है, आए पानी पिया, और अभी इन लोगों ने गुलाब जामुन भी खाए थे गर्म करके, तो उसकी कटोरियाँ हैं। तो ये मैं जो है भिगाने के बाद साफ़ कर दूंगी बर्तन, और जब तक किचन में रहती हूँ, जब तक बर्तन होते रहते हैं, तो मैं कर देती हूँ। हाँ एक बार अंदर जाके बैठी और फिर बर्तन है एक आधा, तो फिर नहीं मैं करने आती। तो यहाँ पे इनको मैंने भिगो दिया है, और कल अब हम इनको बनाएंगे, तो पूरी रात इनको भिगा कर छोड़ देंगे। अच्छा रहता है भिगा कर कुछ भी चीज़ बनाओ, मोटी दालें तो स्पेशली।
ये वीडियो कल शुरू किया था सोमवार में, आज है मंगलवार, तो अभी जो है सुबह का टाइम है, लगभग 8:15 का टाइम होगा या 8:30 का होगा। बच्चों को ये छोड़कर आ गए हैं और छोड़कर आने के बाद भी जो है अभी बारिश बंद नहीं हुई है। जब ये गए थे बच्चों को लेकर तब भी बारिश थी, लेकिन कल रुक गई थी, आज नहीं रुकी। और ये बारिश को होते होते आज तीसरा दिन हो गया है। दिन में कल बारिश वारिश नहीं हुई, लेकिन आज जो है सुबह में भी मतलब इस टाइम भी बारिश हो रही है। कल इस टाइम बंद हो गई थी रात में पड़ने के बाद, और मौसम ऐसा हो गया ना बिल्कुल ठंडा, पंखा बंद कर हमें बैठना पड़ रहा है। और अभी जो है ये देखिए पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं ना, इसे बूंदे पड़ी हुई हैं। और किस किस के यहाँ इस टाइम बारिश हो रही है बताना। वैसे मैंने देखा कि अभी लगभग जो है हर जगह बारिश हो रही है, तो मुझे बताना कमेंट करके किसके यहाँ हो रही है। टाइम हो रहा है 12:30 का, और मैंने ना कंगी वंगी नहीं की है, मैंने कहा पहले मैं खाना वगैरह कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने राजमा यहाँ पे जो मैंने रात भिगोया था उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था, उबल भी चुके हैं ये। और भिंडी इधर धुली हुई रखी है, भिंडी देखती हूँ बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, धो के रख दी थी, रात की ही धुली हुई है ये, इसको जो है अभी काट पीट के देखती हूँ बनेगी कि नहीं बनेगी, या फिर कल मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन के लिए बनेगी, तो वो देखते हैं। और अभी जो है मैं बस राजमा की तैयारी करती हूँ। ये कल वाला ही वीडियो है जिसको मैंने आज कंटिन्यू करा है, कल और आज का हो जाएगा, मतलब सोमवार का और मंगलवार का। तो अभी राजमा चावल बनेंगे घर में, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के फेवरेट होंगे और मेरे पति के भी बहुत फेवरेट हैं। लगभग सारा खाना मेरा बन चुका है, बस मैं चावल छोंक रही हूँ। राजमा, रायता, सलाद सब बन गया है, और राजमा बन रहे हो साथ में चावल ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ तो सब्जी के साथ भी चावल खा लेते हैं, जैसे आलू मटर, आलू गोभी, आलू बैंगन, इनके साथ भी चावलों के बहुत शौकीन हैं इधर की साइड के लोग और मैं भी। तो अभी जो है 2-4 बर्तन हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी कर देते हैं फिर बैठते हैं। अभी बच्चों के आने में टाइम है 30-40 मिनट, और अभी तो चावल बनने में भी टाइम लगेगा, पूरा आधा घंटा लगता है छोंकने के बाद से, सीटी आना, प्रेशर निकलना, इन सारी चीज़ों में। तो मैंने कहा चलो भैया 2-4 बर्तन हैं ये भी कर देते हैं, फिर बैठेंगे इत्मीनान से, और फिर जब मैं बैठ जाऊँगी तो फिर अब बच्चे आएंगे तभी मैं उठूँगी। हाँ, कुकर की गैस बंद करने के लिए भी बीच में उठना पड़ेगा। और जब बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो जो ये साइडों की टाइल्स होती हैं इन पर भी छींट जाती है, तो मैं क्या करती हूँ हाथों हाथ जब मैं बर्तन करती हूँ, चाहे मैं 2 बर्तन कर रही हूँ चाहे ज़्यादा कर रही हूँ, इनको हाथों हाथ साफ़ करती हूँ, जो कपड़ा है स्लैब का उसको धोती हूँ। और अभी जो है मैं बाहर आके बैठ गई हूँ, मैंने सोचा था कि मैं बैठूँगी थोड़ी देर, लेकिन फिर मुझे याद आया नहीं आज तो मेरा और काम भी है सूट का, तो मैं जो है भिंडी काट के रख देती हूँ, तो ये काम आ जाएंगी कल वल में जब भी बनेंगी या शाम को बनेंगी। भिंडी बहुत अच्छी थी, मतलब पकी हुई भी नहीं निकली, ना कीड़ा वीड़ा निकला है, तो आज मैं ना गोल गोल वाली काट रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर मैं लंबी भिंडी काट के बनाती हूँ, इस बारी मैंने गोल वाली भिंडी काटी है। सारा काम मैं करके आ गई हूँ और बस अभी जो है खाना खाना है, लेकिन अभी उसमें आधा घंटा है क्योंकि बच्चों की छुट्टी अभी होने में बहुत देर है। अभी 1:35 हुआ है, 10 मिनट तो उनकी छुट्टी होने में ही है 1:45 में, लेकिन जब मैंने उस दिन देखा विपिन कह रहे थे वो एकदम से बाहर नहीं आते हैं, वो सबसे लास्ट में आते हैं, तो इसका मतलब वो 10 मिनट बाद आते हैं, 1:55 के करीब वो बाहर आते होंगे, फिर इनके अपने पापा के साथ आएंगे, तो वही जो है उनको 2-2:10, तो 2 मतलब 2 से ऊपर ही होता है, 2:05-2:10 तक वो घर आएंगे, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट दूरी है गाड़ी से, 5-7 मिनट होगा। तो अभी जो है उनका इंतज़ार करूँगी बैठ के, अभी तो चावल में सीटी भी हैं, सलाद भी काट दिया है, रायता भी बना दिया है, और राजमा चावल तो बन ही चुके हैं। आज जो है खुश हो जाएंगे विपिन, क्योंकि राजमा चावल उनको पसंद है, तो जो चीज़ पसंद होती है उसको अगर वो चीज़ बन रही है तो अच्छा लगता है। मैं आ गई हूँ किचन में, आप समझ गए होंगे कि बच्चे और बच्चों के पापा आ चुके हैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट से खाना लगा देते हैं प्लेट्स में,
तो यहाँ पर जो है मैं इनकी प्लेट लगा रही हूँ, राजमा वगैरह मैं डाल रही हूँ और साथ में जो भी बनाया है, मतलब जो भी क्या राजमा चावल है, रायता है और सलाद काट लिया था। और रायते को मैंने आज तड़का लगाया, मैंने कहा बहुत दिन हो गए तड़का नहीं लगाया था रायते में। बच्चे नहीं खाते, बोलते मम्मी ये काला काला क्या है, हम नहीं खा रहे, तो बच्चों को होता ही है। तो यहाँ पर मेरी प्लेट भी लग चुकी है, वही सब कुछ है, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खा लो। और राजमा बहुत टेस्टी बना था। मैं जो है इतना नहीं पसंद करती हूँ मोटी दालें, लेकिन कभी कभार अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है फिर, मतलब कि भाई चलो सही बन गया था। तो चलो अंदर चलते हैं प्लेट लेकर, विपिन तो पहले से ही जाकर बैठ गए हैं प्लेट लेकर। मैंने कहा मैं भी आ जाती हूँ, मेरा वेट भी नहीं किया उन्होंने, आज उनका पसंद का है ना इसलिए। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना राजमा देखने में, तो चलो मैं भी खाती हूँ, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खा लो। इनसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है, जैसे ही प्लेट में डले किचन से ही शुरू हो गए, क्योंकि अपनी फेवरेट चीज़ का होता ही है। जल्दी भी है, अच्छा अच्छा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी है इन्हें भाई, अच्छे का कोई मतलब नहीं है। अच्छे नहीं लगे, मेरे को लगा फेवरेट है तो शायद इसीलिए किचन से खाते 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 खाते, मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ आके, मैं भी बैठ रही हूँ। और ये देखो हमारी मैडम की न्यू बॉटल आई है। ये लड़की जो कैमरे के पीछे खड़ी है, ये अपनी अच्छी पढ़ाई के चक्कर में हमसे ऐसे वसूली करती है, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये बोलती है मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी देख लो, मम्मी देखो मेरे उसमें भी अच्छे मार्क्स आए, मम्मी मेरे आज साइंस में, पापा को पहले ही बता दिया था क्या गाड़ी में, पापा मेरे साइंस में 20 में से 20 आए, मेरे सर मेरी तारीफ कर रहे थे, तो पापा मुझे बॉटल दिला दो, मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसमें गर्म पानी हो जाता है, इस पे एक सैलो की बॉटल है जो अंदर से ठंडा ही रखती है, वो नहीं चाहिए, अब इसको ये चाहिए थी। ये स्टील की है ना, ये भी सैलो की, मिल्टन की है ये। हाँ मिल्टन की है, वो सैलो की है ना। अब इनको ये चाहिए थी, ये ऐसे हमें जो है वो करती है, मतलब अपनी पढ़ाई का फायदा उठाती है ये हमसे। ये बॉटल आई है ना तो भरने का शौक चढ़ रहा है, रोजाना चाहे उसको माँ भरे फिर वॉश भी माँ करे, लेकिन आज है उसको धोने का, उसको भरने का चाव चढ़ रहा है भैया लड़की पे। मैं मम्मी अपनी बॉटल भर के रख रही हूँ। सैंडविच खाया था? हाँ। और पराठा? हाँ। दोनों फिनिश? हाँ। तो टिफिन साफ कर चुकी हूँ। शेयर करते हो किसी के साथ या अकेले खाते हो? आज दो दिन बाद बहुत भयंकर धूप निकली है, जबकि अभी 1 बजे के करीब भी काफ़ी बारिश हो रही थी, आज निकली है तेज धूप, काफ़ी तेज वाली धूप है। और मैं सारा किचन समेट दिया है, फ्रिज का सामान फ्रिज में रख दिया है, जो खाली करना है वो खाली कर दिया है, बर्तन मांज दिए हैं जो कि बहुत सारे हुए थे, इनके टिफिन वगैरह तो आते ही मंज जाते हैं, अगर वो भी छोड़ दो, मैं क्या करती हूँ जैसे ही आते हैं वैसे ही टिफिन इनके करने, बॉटल्स करनी वो आते ही कर देती हूँ, जब तक ये लोग ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, फिर खाना वगैरह करती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन, और 3 तो रोज बचते ही बचते हैं मुझे। चलो जी अभी इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं, मैं अपने दूसरे काम पे लगूंगी। फिलहाल आप लोगों से लेती हूँ इजाजत, कल फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।